हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET काउंसलिंग के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए, जो 27 तारीख को काउंसलिंग लगी है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जा सकते हैं? क्या जनरल कैटेगरी के जा सकते हैं, SC कैटेगरी के जा सकते हैं, ST कैटेगरी के जा सकते हैं, या OBC के जा सकते हैं? और क्या कॉलेज ना मिलने पर DD वापस होगा? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के होम पेज पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के होम पेज पर। और ये देखिए, अब हम आ चुके हैं CPNET के होम पेज पर। तो एक नया लिंक यहाँ पर खुला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए, जो 27 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, 27 तारीख को इन्होंने केवल बुलाया है केवल उप श्रेणी, जो सब श्रेणी हैं, यानी PH FF फ्रीडम फाइटर, PH एंड EA, ओवरऑल रैंक 1000 से 1 लेके अंतिम तक अभ्यर्थी, ST श्रेणी एवं उप श्रेणी के अंतिम रैंक तक थे, मतलब ST को बुलाया है, और उसके बाद जो आरक्षित श्रेणी है उसी को बुलाया है। आप समझ सकते हैं कि जिनकी रैंक 1000 तक ही है, मतलब 601 से लेके 1000 तक है, और तभी तक आपको जनरल एंड OBC एंड SC कैटेगरी को मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, ये देखिए, केवल 601 से लेके 1000 तक ही जनरल कैटेगरी एलिजिबल हैं, और उसके बाद में केवल उप श्रेणी को ही मौका दिया जा रहा है। तो आपको, अगर आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तभी आप 27 तारीख को जाइए, वरना मत जाइए। अगर आप ST हैं, PH हैं, FF हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, या EA हैं, तभी आप जाइएगा, वरना मत जाइएगा। ओके, इसके रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर, अगर हमें कॉलेज नहीं मिला या प्रवेश हो गया और फिर सीट नहीं मिली तो क्या DD वापस किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, और उसके बाद में आपका पंजीकरण होगा एंड प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। सत्यापन और पंजीकरण आपका अगर सही पाया गया तो उसी दिन आपका काउंसलिंग दिया जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं कि अगर आपकी रैंक 205 है तो आपको बुलाया जाएगा दूसरी काउंसलिंग, मतलब 24 तारीख को, और 24 तारीख को ही आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन होगा एंड पंजीकरण होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन अगर सही पाया गया तो उसी दिन 24 तारीख को ही आपकी काउंसलिंग एवं प्रवेश दे दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर काउंसलिंग ना करवाई या हम प्रवेश नहीं लिया तो क्या DD वापस किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, उन्होंने सीधा कह दिया है कि अभ्यर्थियों का पंजीकरण के पश्चात मेरिट के क्रम में बुलाया जाएगा और उपलब्ध पाठ्यक्रमों के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जाएगा। और ये देखिए, यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात सीट आवंटित नहीं होती है, मतलब आपने काउंसलिंग कराने आप गए, आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो गया, और फिर भी आपको सीट आवंटित नहीं की गई, जो आपने सीट उसमें फिलअप किया, आपने चॉइस भरी और वो सीट आपको नहीं मिली, तो आपका DD वापस कर दिया जाएगा मूल रूप में, एज इट इज। आपको DD आपका डिमांड ड्राफ्ट जो 5000 रुपये का लग रहा है, और 500 रुपये आपकी पंजीकरण शुल्क है, वो शुल्क जब्त कर ली जाएगी, लेकिन DD आपको 5000 रुपये का DD बिल्कुल वैसा ही वापस कर दिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जिनकी रैंक 1000 से ऊपर हैं और वो OBC हैं, जनरल हैं, SC हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ने उन लोगों को मौका नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि केवल PH, FF, EA और ST श्रेणी को ही बुलाया है, और 660 सीटों में 60% तो आरक्षण ही चलता है, यहाँ पर 40% में सीटें सारी फिलअप हो जाएंगी, आपको मौका मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक DD नहीं बनवाया है
तो आप बनवा लें, केवल उतने ही बनवाएं जिनकी 601 से लेके 1000 तक रैंक है, वरना आप मत बनवाइए, क्योंकि ये डीडी आप तो डीडी आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन आपका पंजीकरण शुल्क और एंड आने जाने का जो खर्चा होगी वो वापस नहीं मिलेगा। ओके, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको ये 11 डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रवेश पत्र लगेगा, परीक्षा पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, हाई स्कूल लगेगा, इंटर लगेगा, और उसके बाद 4 फोटो लगेगा, मूल निवास लगेगा, जात प्रमाण पत्र लगेगा, ओबीसी के लिए जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो 1 अप्रैल 2019 के बाद का उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो उन्हें भाग नहीं लेने दिया जाएगा काउंसलिंग में। इसमें 2 प्रकार से आरक्षण मिलता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आरक्षण, जो कि टोटल मिला के होता है 60%। तो आप समझ सकते हैं अगर 60 सीटें हैं तो लगभग 43 सीटें आरक्षण से ही भर जाती हैं, और उसके बाद में केवल 17 सीटों पर ही जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट फाइट कर पाते हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रैंक अच्छी आई है तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ट्राई कीजिए LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।